कह रहा है कि log 4 का वैल्यू दिया है, तो log 4.01 का वैल्यू निकालना। तो x का वैल्यू यहाँ पे 4 है और x प्लस डेल्टा x जो है ना 4.01 है, तो x का वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ से डेल्टा x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा x जो हो जाएगा वह 0.01 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू में लेंगे log x ना, या एफ एक्स इक्वल टू लेते हैं, ठीक है। log x बेस में e रहेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा 1/x। अब इसके बाद देखिए हमें निकालना है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू, जो कि इक्वल हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स के। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी कि 4.01 के लिए तो हो जाएगा एफ एक्स का वैल्यू, तो लॉग एक्स और प्लस एफ डैश एक्स 1/x और डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.01। चलिए अब देखते हैं, लॉग यहाँ पर एक्स की जगह पर रख देंगे 4 ना, 1/4 इंटू में 0.01। चलिए अब इसमें देखते हैं, लॉग 4 का वैल्यू यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है, 1.3868, यही ना दिया है जी, 68। और प्लस यहाँ पे देखिए इसमें इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो आपका 0. क्या है जी, 0.01 है, और इसमें डिवाइड करना है कितना से जी, हम लोग डिवाइड करना है 4 से, तो 0.01 में डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आपका आ जाएगा 0.0025। और इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसमें ऐड कर लेते हैं आपका 1.3868, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1.3893। ये आपका 3893 यानी कि सी नंबर ना दिख रहा है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए स्पेयर